नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में। स्पाइनल एनेस्थीसिया का मतलब जो एनेस्थीसिया स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी जनरल एनेस्थीसिया, क्योंकि स्पाइनल एनेस्थीसिया में हम बेसिकली लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स देते हैं इन पर्टिकुलर रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के एक पर्टिकुलर रीजन में। तो जैसे कि जो स्पाइनल कॉर्ड है तो इसमें डिफरेंट रीजन्स होते हैं हमारे पास। सर्वाइकल होता है, थोरेसिक होता है, लंबर होता है एंड सैक्रल रीजन होता है। तो जिस जिस ऑर्गन सिस्टम को हमें एनेस्थाइज करना है या फिर पैरालाइज करना है, उसके अकॉर्डिंग हम उस रीजन स्पाइनल कॉर्ड के पर्टिकुलर रीजन में जो है एनेस्थीसिया देंगे, दैट इज लोकल एनेस्थेटिक देंगे। अब सपोज हमें लोअर एब्डोमेन या फिर लेग्स को एनेस्थाइज करना है, फॉर सर्जरी, या फिर लेग्स को एनेस्थाइज करना है फॉर सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर, तो उस केस में हम जो है कहाँ पे देंगे एनेस्थीसिया? लोकल एनेस्थीसिया लंबर रीजन में देंगे। लंबर रीजन में कहाँ पे देंगे? L1, L2, L3 के बीच में देंगे या तो, या फिर L3, L4 के बीच में देंगे, क्योंकि लंबर सेगमेंट्स L1, L2, L3, L4, L5, फाइव सेगमेंट्स होते हैं ना लंबर में, तो उसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों के L2, L3 के बीच में देंगे या फिर L3 या फिर L4 के बीच में देंगे, इन सेगमेंट्स के बीच में देंगे एनेस्थीसिया। तो उससे क्या होगा, सिर्फ ये पर्टिकुलर एब्डोमेन और जो हमारे लेग्स हैं वो ही क्या होंगे, एनेस्थाइज होंगे, और बाकी ऑर्गन्स जो हैं अनअफेक्टेड रहेंगे, और जो पेशेंट है वो क्या होगा, अनकॉन्शियस नहीं होगा। इन केस ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया अनकॉन्शियस नहीं होगा पेशेंट, है ना, पेशेंट जो होगा अनकॉन्शियस नहीं होगा, कॉन्शियस रहेगा पेशेंट, बस ये पर्टिकुलर ऑर्गन जो है एनेस्थाइज होंगे। अब लोकल एनेस्थेटिक जो हम देंगे, जो हम लोकल एनेस्थेटिक देंगे स्पाइनल कॉर्ड में, वो काम कैसे करेंगे? अगर हम लंबर की बात करें तो इट विल एब्जॉर्ब फ्रॉम दी कॉर्डा इक्वेनिया। ये क्या है, टर्मिनल पार्ट होता है ना स्पाइनल कॉर्ड का, टर्मिनल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो यहाँ से एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ जाएगा, नर्व रूट्स में जाएगा। नर्व रूट्स में क्या है, बहुत सारी नर्व्स हैं, तो नर्व रूट से नर्व्स में जाएगा, और नर्व से फिर जो है एनेस्थेटिक एक्शन प्रोड्यूस होगा। इट विल ब्लॉक दी चैनल्स, जो सेंसरी चैनल्स हैं, मोटर चैनल्स हैं, उनको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा एनेस्थीसिया, नर्व रूट से नर्व्स में, और उससे फिर एनेस्थेटिक एक्शन प्रोड्यूस होगा। तो और जो इसकी वो है, मतलब इसका जो ड्यूरेशन है लोकल एनेस्थेटिक का, कितने देर तक काम करेगा, वो किस किस पे डिपेंड करता है। एक तो जो सॉल्यूशन की, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, उस पे डिपेंड करता है सॉल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी, और फिर कि हमने जो लोकल एनेस्थेटिक है वो कॉम्बिनेशन में दिया है किसी ड्रग के साथ, या फिर अलोन दिया है, मतलब बिना कॉम्बिनेशन के दिया है। जैसे कि अगर हम बात करें लोकल एनेस्थेटिक जब हम एड्रेनालिन के साथ देते हैं, तो क्या होता है, एड्रेनालिन के साथ जब हम लोकल एनेस्थेटिक देते हैं तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, मतलब टाइम जो है बढ़ जाएगा, जो उसका काम करने का टाइम है वो बढ़ जाएगा, थोड़ा कितना बढ़ जाएगा, 1/3 बढ़ जाएगा, जितना उसका ओरिजिनल था उससे 1/3 बढ़ जाएगा। और इस पे भी डिपेंड करता है कि हमने कितना कंसंट्रेशन दिया है लोकल एनेस्थेटिक का, जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ LA, लोकल एनेस्थेटिक का कितना कंसंट्रेशन दिया है, उस पे भी डिपेंड करता है। और फिर डिपेंड करता है कि हाइपरबारबिक सॉल्यूशन है, मतलब जो उसका प्रेशर है वो मैच कर रहा है CSF से कि नहीं, और या फिर आइसोबारबिक है, आइसोबारबिक टू CSF, मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है, क्योंकि सबसे पहले जो
हमारे ड्रग है वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड में जाएगा ना, जो हमारा एनेस्थीसिया है, उसके बाद ही तो एब्जॉर्ब होगा नर्व रूट्स में, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड के साथ मतलब आइसोबारिक है, फिर हाइपर बारबिक है, तो हाइपर हाइपर बारबिक है या फिर आइसोबारबिक है उस पर डिपेंड करता है जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है सब पे, कितना ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम तक उसका असर रहेगा जो एनेस्थीसिया हमने दिया है। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया की, जो एडवांटेजेस हैं ओवर ये हमारे जनरल एनेस्थीसिया। एक तो सबसे पहले एडवांटेज है कि ये मतलब इसमें जो रिलैक्सेशन रहता है मसल्स का वो अच्छा रहता है, रिलैक्सेशन मसल्स का अच्छा रहता है, और एनल्जेसिक एक्शन जो है वो अच्छा रहता है, रिलैक्सेशन एनल्जेसिक एक्शन अच्छा रहता है। और जैसे इसमें क्या होता है, पर हम किसी पर्टिकुलर एरिया में दे रहे हैं, मतलब जो लोकल एनेस्थेटिक है किसी पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर एरिया के लिए दे रहे हैं, तो अगर किसी पेशेंट को मतलब सपोज किडनी डिजीज़ है, फिर कोई हार्ट डिजीज़ है, तो उससे कोई इंट्रैक्शन नहीं रहेगा, नो इंटरेक्शन, कोई इंटरेक्शन नहीं रहेगा इन सब से, क्योंकि हम सपोज़ हम एब्डोमेन की सर्जरी करनी है किसी पेशेंट की, तो उससे किडनी डिजीज़ है या फिर हार्ट डिजीज़ है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम लंबर एरिया में दे रहे हैं, और लंबर से ही मतलब एब्डोमेन की जो है वो नर्व्स सारी सप्लाई है, तो इसलिए। और इसमें एक एडवांटेज और है कि पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस नहीं होता, पेशेंट जो है कॉन्शियस रहता है, अनकॉन्शियस नहीं होता, बट जनरल एनेस्थीसिया में क्या रहता है, पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है। और इसमें जैसे एग्जांपल लोकल एनेस्थेटिक कब कब देते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड में, तो इसके एग्जांपल जैसे कि सी सेक्शन में देते हैं, ठीक है, और अगर हमें जैसे लोअर लेग की लोअर लिम्स की सर्जरी में देते हैं लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है, और या फिर कोई फ्रैक्चर हो, फ्रैक्चर सेटिंग, कोई फ्रैक्चर हो लेग्स में, तो उसको सेट करने के लिए ताकि एनल्जेसिया रहे और पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो, सी सेक्शन इन केस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, सी सेक्शन सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं उसको, लोअर लिम्स की सर्जरी, फ्रैक्चर सेटिंग, और एब्डोमेन सर्जरी है किसी की सर्जरी, सपोज एब्डोमेन ट्यूमर है तो ट्यूमर रिमूवल के लिए, तो उस केस में हम ये जो है लोकल एनेस्थेटिक देते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, ये सारे तो जो है मतलब इसमें तो लंबर एरिया में देंगे, सी सेक्शन इन सब में, एब्डोमेन सर्जरी में, थोरेसिक अगर किसी की लंग्स की मतलब कोई सर्जरी है, लंग ट्यूमर है, तो उस केस में थोरेसिक रीजन में देंगे एनेस्थीसिया हम। और एग्जांपल की बात करें अगर हम, तो एग्जांपल में जैसे कि लिडोकेन हो गया, लिग्नोकेन हो गया, और भी बहुत सारे लोकल एनेस्थेटिक यूज़ होते हैं। तो हमारी इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।